हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो सुबह सुबह वही रूटीन, लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। तो लंच में मैंने बनाया है यहाँ पे छोले की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने छोले की सब्जी बनाई है और वो टिफिन पैक हो गया परवेश का, और जो वहाँ पे वर्कर काम करता है तो उनका भी खाना मैं ही भेज देती हूँ इधर से। और फिर ये कौन है भाई, मैंने आज नई शुरुआत, इतने गंदे लग रहे हो ना मेरे को, इतने गंदे लग रहे हो ना। इतने दिन के बाद जिम भी शुरू कर दी मैंने अब, और अपने बाल भी साफ करवा दिए। साफ नहीं करवाने, मैं थोड़े छोटे करवाने गया था लेकिन उसको गलती से मशीन चली। मुझे तो लग नहीं रहा मेरा पति कहाँ गया। मेरे को भाई प्रूफ देना पड़ा, इसे ना फोन करवा के उससे, मैंने स्पीकर पे फोन लगाया, भाई बताया इतनी उम्मीद तो है, आप कानी सेट कराए होंगे पहले, इतनी उम्मीद तो है मेरे को आपसे पूरी। मेरे भाई आगे यहाँ पे बाल थे जो मतलब काफी शुरू से छोटे कट लग गया था, तो वो छोटे रह रहे थे पीछे वाले बड़े, तो मैं सोचा बराबर कर देता हूँ सबको, तो इसलिए मैं उसके बराबर करवाने गया था। उसने यह मशीन लगा दी गलती से, फिर हो गया मैं गंजा। तो रास्ते में सब ये कह रहे थे बढ़िया लग रहा है, पूछ के आया था साथ में उसे। नहीं मैं गया माहौल के अंदर, उसने नोटे हाँ बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है। यार बहुत ही अजीब लग रहे हो, इतने सुंदर बाल थे। देखो पजामे कुर्ते पहन के काली चश्मा, मैंने जिम भी शुरू कर दी है और अब बढ़िया सा रूटीन स्टार्ट कर। मेरा तो रूटीन कोई नहीं बन रहा, नहीं तो जिंदगी हेल होगी। बढ़िया, सुबह इतनी ठंड थी पता है, मैंने भी दरवाजा खोला ना बेडरूम का। मैं कैसे लग रहा हूँ बता, तो नहीं लग रहा मैं ज्यादा लग रहे हो, सब बता दो भाई। जो मेरे सपोर्ट में है वो मेरे सपोर्ट में कमेंट करें, जो जो इनके सपोर्ट में वो इनके सपोर्ट में कमेंट करें। यस सो गाइस, अभी है शाम का टाइम और प्रवेश ऑफिस से आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं मार्केट, और यहाँ पे जूते और मैं गंदा नहीं हूँ, और यहाँ सब तैयार हो रहे हैं, शूज पहन रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कैप पे ना, पता नहीं जैसे बाल बुल खाली खाली लग रहा है। खाली खाली मतलब? अच्छा, मतलब जब बालों में कैप उड़ते हैं तो वैसे लगता है ना, समझ रहे हैं, तो मतलब खाली कैप है जैसे हवा लग जा रही है सब। चलो गंजे की भावना को तुम क्या समझो, टाइम 7 बज गए यहीं पे, 7 बज गए तो नाइट आउट को तो किस टाइम का काहे का नाइट आउट। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। किस बात का घमंड है? पता नहीं किस बात का, कोई घमंड नहीं है भाई, बट पता नहीं अजीब होगी लाइफ। तो भाई निकल लिए घर से और अंधेरा तो ऑलरेडी हो ही गया, अच्छा खासा बढ़िया लेट लगती है ना, लाइट जला भी नहीं होगी सोसाइटी तो मॉल। आज हम आए हैं MGF। यार इतने दिन बाद घूमने घूमने के गलत 20 कट गलत लिए हैं, दिमाग खराब तो वहीं कर दिया। मिले कोई इतनी शरीफ बंदी, कुछ नहीं करते यार, देख लियो तुम भी आई हो भाई, आप लोग भी आई हो, मैं क्या ऐसे स्कूटर पे ला लो फिर क्या होगा उससे, वो इंडिकेटर वैसे नहीं देख, इंडिकेटर लगा के देखेंगे कोई नहीं। तो यहाँ पे भाई अब तन्नू की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, खुशबू बढ़िया बढ़िया आ रही है भाई, क्या ले लिया आपने? अच्छा इतने बढ़िया लग रहा है, ये देखो भाई इसमें मतलब क्या, मतलब एक बार तो कंफ्यूज हो जाए, नया नया आदमी आया ना देख के, मैंने तो पानी पटका दे रहा है, ये टूटी हवा में कैसे है, लेकिन इसके बीच में पाइप दे रखा है इन्होंने ना, पाइप से पानी से पता नहीं चल रहा। और ये देखो भाई कितनी बढ़िया बढ़िया टॉफी हैं, ये कीवी और ये स्ट्रॉबेरी, अंजीर, देखो कितने छोटे छोटे प्लांट है ना, कितने बढ़िया लग रहे हैं,
कितने बढ़िया लग रहे हैं कभी तो रुक अभी जब छोटे छोटे हैं बिल्कुल कैमरा किधर करूं जब दिलवाओगे तब पता चलेगा कितने बढ़िया लग रहे हैं देख ले देखने पैसे थोड़ी है ये तो वैसे ही है थोड़े दिन चलते हैं चल जाएंगे फिर चलेंगे ये तो वैसे ही है शो पीस शो के लिए ठीक है अपने वहाँ रख दिए किचन विचन में तो भाई मुझे कुछ आर्टिकल समझ में आए नहीं है और अब जा रहे हैं प्रवेश की बारी आ गई है लेट्स सी कि कुछ समझ आता है कि नहीं आता है तो शॉपिंग डन बट मिला कुछ नहीं सही बताओ ना कुछ नहीं मिला टाइम वेस्ट हुआ है अब मुझे बिल्कुल कलेक्शन है हाँ एक का बॉटम अच्छा मिला एक की शर्ट अच्छी मिली हाँ सौदा मैच नहीं हो पाया सौदा को मैच बैठा देंगे वो ब्रांड का साइज का डिफरेंस होता है आज तक ये नहीं पता चला आपको चलो बिल करवा लो फटाफट अब हो गया अमीर अभी भी नहीं हुआ चल अमीर गरीब क्या है दिल अमीर होना चाहिए तुम अमीर होके भी अमीरी वाली मजे नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम मरमर के जीतते हो मैं मरमर के अच्छा अमित थाली में डाल के दे जाता है कोई जमीन से जुड़े हुए अच्छा हम आसमान में रहते हैं वाह वेरी नाइस तो वहां प्रवेश करा रहे हैं बिल्ली बट कभी कभी इतने गंदे वाले स्टोर पे चले जाते हैं ना कोई इतना अजीब कलेक्शन था ना कुछ भी नहीं मिला मुझे कुछ भी कभी कभी तो शॉपिंग करवाते हैं पति हाँ खुले दिल से मतलब शॉपिंग तो चलो करवा ही देते हैं बट खुले दिल से और तब आपको क्या बोलते हैं कलेक्शन अच्छा ना मिले तो आप बस मैं फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को अभी मुझे कैसा फील हो रहा तो अभी हम खरीद रहे हैं फ्रूट्स प्रवेश गई तो मैं भी थी बट मैं आ गई हूँ और यहाँ हम लोग खा रहे हैं भेलपुरी जो कि बहुत बहुत यम्मी थी तो गाइस फिर से आपका स्वागत है एक नई सुबह व्लॉग रात में एंड नहीं कर पाए थे बहुत ज्यादा थक गई थी और काफी लेट भी हो गया था तो अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ तो ये मैंने बनाई है बहुत बड़ी सी ऑमलेट और इधर बन रही है मेरी चाय और यहाँ पे मैंने बनाया है सेवैया अभी मैं इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये स्टीम में कुक होएंगी अगर मैं लिड हटा दूंगी तो सारा स्टीम निकल जाएगा सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू और कीप वॉचिंग कीप लविंग कीप शेयरिंग और ऐसे ही प्यार देते रहे